तो फ्रेंड्स हमने एक ट्रिक निकाली थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने टैब के अंदर यहाँ पर सेफ मोड को लगा कर और टैब को नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ये वाले क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हम इस वाले टैब को ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं एंड उसको बाद में अगर हमारे से स्विच ऑफ हो जाता है फिर रिस्टार्ट होता है तो उसको हम कैसे यहाँ पर दोबारा से फिर नॉर्मल करेंगे या फिर क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। एंड अभी आप जो ये टैब देख रहे हैं ये पहले से वैसे ही नॉर्मल था, इसके अंदर सेफ मोड मैंने लगा रखा था जिससे कि इसके अंदर सभी आप चल रहे थे। एंड अभी इसको एक हफ्ता हो गया है, इसके अंदर कोई भी बैटरी वगैरह नहीं है बल्कि स्विच ऑफ है पूरी तरीके से। एंड आज की वीडियो में इसको चार्ज करूंगा एंड इसको आपके सामने लाइव प्रूफ ऑन करूंगा एंड जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे आप अपने टैब को अगर आपके आपसे स्विच ऑफ हो जाता है सेफ मोड लगाने के बाद तो फिर क्या आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, कनॉक्स मैनेज आएगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे एंड जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ लाइव प्रूफ आपके सामने। तो अभी से पहले दोस्तों यहाँ पर नीचे में आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दो एंड सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता रहता है। चलो दोस्तों मेरा किस तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये टैब बिल्कुल यहाँ पर स्विच ऑफ है एंड इसी के अंदर अभी जीरो बैटरी है तो अभी ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। एंड अभी मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके साथ चार्जर को कनेक्ट कर दिया है एंड अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों जब इसकी बैटरी यहाँ पर हो जाएगी तब हम इसको ओपन करके देखेंगे एंड देखेंगे कि इसके अंदर ओपन होते ही कौन से ऑप्शन आएंगे एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको जीरो बैटरी अभी इसके अंदर है। A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हो चुकी है एक बैटरी एंड इसको होने में भी काफ़ी ज़्यादा देर लग गई थी तो इसलिए अब मैं इसको एक बैटरी पर ही ऑन करने जा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर कैसा यहाँ पर ओपन होता है, सीधा ही हमारे सभी ऐप आ जाएंगे या फिर हमें कुछ यहाँ पर सेटिंग वगैरह को चेंज करना पड़ेगा। तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टैब यहाँ पर स्विच ऑन होने लग रहा है तो भी बिल्कुल इसके अंदर जीरो बैटरी थी तभी मैंने इसको ऑन किया है आपके सामने ही। इसको 7-8 दिन हो गए थे यहाँ पर स्विच ऑफ हुए एंड इसके अंदर सेफ मोड का यूज़ करके मैंने इसके अंदर सभी ऐप को चला लिया था और अभी देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर सेफ मोड यहाँ पर पहले से ही लगा मिलेगा या फिर हमें दोबारा से फिर वही ट्रिक को करके इसके अंदर दोबारा से फिर सेफ मोड को लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जब मैंने स्विच ऑफ करके इसको ऑन किया तो इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया मतलब कि ये वाला टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर अपडेट तो आ रहा था लेकिन मैंने उसको यहाँ पर किया नहीं था अपडेट को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो गया है। एंड अभी देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर जो हमारा सेफ मोड है वो यहाँ पर ऑन होगा या फिर फ्रेंड्स अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पर टैब को काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी स्विच ऑफ होते हुए ऑन होने में एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे ही पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3% ही बैटरी यहाँ पर हुई है एंड इसके अंदर कुछ ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइट यहाँ पर कम करके दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसा दोस्तों यहाँ पर अभी इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है तो इसको अभी हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि आप मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको आता है तो आपको ऊपर में जो भी यहाँ पर मल्टी स्क्रीन वाली ये विंडो दिख जाएगी इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक बार ऐसे क्लिक करना तो ये जो आपकी मल्टी विंडो वाली स्क्रीन है जिससे आप मल्टी विंडो कर सकते हैं वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा होकर आ गया है तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे एंड जैसे आप क्रॉस करेंगे आप देख सकते हैं आपने जो भी पहले से जो भी ऐप डाउनलोड करके थे वो सभी के सभी आपके इसके अंदर दोबारा से फिर आ जाएंगे। गैलरी भी आपकी वैसे की वैसी आ जाएगी एंड आप देख सकते हैं 4% बैटरी है तो ये मैंने कुछ भी बीच में टैब वगैरह पलटा नहीं है सीधा मेरा कनॉक्स मैनेज आया था एंड कनॉक्स मैनेज आने के बाद मैंने उसके अंदर यहाँ पर मल्टी स्क्रीन को इनेबल पहले से किया हुआ था उस वाले वीडियो में जब मैंने सेफ मोड लगा दिया तभी मैंने इसके अंदर मल्टी स्क्रीन को लगा दिया था एंड इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा सिंपली से मल्टी स्क्रीन से मैंने कनॉक्स को हटा दिया एंड अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है कैमरा वगैरह भी। तो आप देख सकते हैं कैमरा वगैरह भी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ऐसे दोस्तों अगर आपने सेफ मोड लगा रखा है और आपने मल्टी स्क्रीन को भी यहाँ पर ऑन कर रखा है मल्टी विंडो को और आप उसका टैब स्विच ऑफ हो जाता है या फिर रिस्टार्ट हो जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके टैब के अंदर कटर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने टैब को अपडेट कर देते हैं तो चांसेस है कि आपके टैब के अंदर यहाँ पर कटर आ सकता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप अपने टैब को नॉर्मल कर सकते हैं कैसे इसके अंदर सेफ मोड लगाना है तो यहाँ पर आपको साइड में आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा उस पर जाकर क्लिक करो एंड डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपने टैब को नॉर्मल करना है
और बिना किसी लैपटॉप या फिर पीसी के। और अगर आपको अपने टैब के अंदर फेक खट्टर लाना है, मतलब कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे टैब के अंदर यहाँ पर खट्टर आ जाता है, एंड जैसे ही मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो मेरे टैब के अंदर दोबारा से फिर सभी ऐप आ जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो ये भी आप कर सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, उस वाली वीडियो को आप देख कर अपने टैब के अंदर फेक खट्टर को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।